बीते दिनों विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर उपकेंद्र पर अधिशासी अभियंता के कक्ष में सुनील यादव और अभियंता द्वारा मानदेय पर कार्यरत कार्यालय सहायक अमरनाथ चौबे के साथ मारपीट और गाली गलौज के विरोध में शनिवार को बख्शीपुर विद्युत कार्यालय परिसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन अनिल कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने धरना दिया। विद्युत कर्मचारियों की मांग है कि आरोपी अवर अभियंता के निलंबन की कार्रवाई, अवर अभियंता द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच और प्रशासनिक रूप से अधिशासी अभियंता के स्थानांतरण की मांग की जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन को बाद होंगे। इस अवसर पर आर के सिंह, नवीन गुप्ता, शिवानंद सिंह, सुरेंद्र श्रीवास्तव, कुलदीप श्रीवास्तव, आशीष पासवान, राम सूरत सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अवर अभियंता संघ के अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार ने कहा कि विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर दलालों का अड्डा बन गया है, जल्द ही दलालों के आतंक से विद्युत उपकेंद्र को मुक्त कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर इंजीनियर जे पी यादव, आर के सिंह और इंजीनियर अजय कुमार ने कहा, छब्बीस 9 को घटना घटित हुई थी और घटना चूँकि मेरे कार्यालय में हुई थी, इसलिए जो है दोषी और अभियंता के खिलाफ कोतवाली थाना में FIR दर्ज कराई जा चुकी है और बाबू कैडर के लिए मोर्चा संगठन द्वारा धरना दिया जा रहा है उस दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए। उनके विरुद्ध कार्रवाई है तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और लेटर भेजा जा रहा है। रविंद्र कुमार सिंह, अमरनाथ चौबे बाबू और सुनील कुमार यादव जेई हमारे यहाँ, सुनील यादव आके अमरनाथ चौबे को लगे बड़े साहब कमरे में लगे मारने पीटने, इसी के विरोध में हम लोग धरना दिए हुए हैं। क्या मांग है आपको? हम लोग मांग यही है कि सुनील यादव जेई को सस्पेंड किया जाए और उसकी जांच कराई जाए आपकी क्रिया क्लब की। कल रात में विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था करने के साथ, क्या मामला था और क्या कार्रवाई किया गया? देखिए, हमारे ज़िले में गोरखपुर का बख्शीपुर डिवीज़न जो है दलालों का पूरी तरह अड्डा बन चुका है। वहाँ अधिशासी अभियंता अपने चहेते दलालों को बैठा करके सबको वहाँ बेइज्जत कराते हैं। 24 तारीख को हमारे विभागीय मास रेड में कुछ लोगों के, कुल 37 लोगों के ऊपर FIR हुआ था, जिसमें वहाँ दलाली का काम करने वाले कुछ लोगों के संबंधियों पे भी FIR हो गया था, जिस पे अधिशासी अभियंता ने और उनके दलालों ने सारे जेईयों को बुलाया कि आप आइए, आप लोगों ने FIR किया है, आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने बुलाया, ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में जब हमारे जेई गए, सुनील यादव और उनके डिवीज़न के सारे जेई जब पहुँचे हैं, तो वहाँ अधिशासी अभियंता ने बात किया कि यार आप लोग कुछ तो ध्यान रखा कीजिए, अपने लोगों पे FIR ना किया कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें अपना पराया क्या होता है साहब, बिजली अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके ऊपर FIR किया जाएगा और हमें क्या मालूम कि आपका कौन सा आदमी है, अगर आपने बता दिया होता तो नहीं करते। इस पे वहाँ जो बैठे हुए दलाल थे जो साजिश के तहत सुनील यादव को बुलाए थे, उन्होंने सुनील यादव पे आग बबूला होकर के उनके ऊपर घेर करके उनके ऊपर मारपीट करने लगे और मारपीट करके और उल्टा FIR भी दर्ज करा दिए। अब जब FIR की जानकारी मुझे हुई एज संगठन अध्यक्ष, तो मैंने सुनील यादव को बुलाया, उनका पूरा वर्जन लिया, उनके सारे खंडों के लोगों को बुलाया और पूरी जानकारी लेने के बाद मैंने कहा कि आप भी FIR लिखिए और सुनील यादव भी FIR लिखे, और रात के करीब 12:02 पे हमारी FIR, सुनील यादव की FIR दर्ज हुई है। इसमें ये कहना है कि ये बख्शीपुर का जो डिवीज़न है, वहाँ अधिशासी अभियंता और जो रिटायर्ड बाबू अमरनाथ चौबे हैं, ये सब मिल करके वहाँ भ्रष्टाचार का नंगा नाच करते हैं, कंज्यूमरों को परेशान करते हैं, कंज्यूमरों को पूरी तरह से चंगुल में फंसा करके यहाँ से वहाँ दौड़ाते हैं
अगर कोई वहाँ कर्मचारी या जेई इसका विरोध करता है कि इस कंज्यूमर का काम कर दीजिए, तो वो जेई के खिलाफ भी साजिश के तहत तमाम तरह की बातें करते हैं। उसी के बात करने के चक्कर में सुनील यादव से जो इन लोगों ने मारपीट की है उसका ये संगठन कड़े शब्दों में निंदा करता है और सबको चेतावनी भी देता है कि अगर वहाँ से दलाली ख़त्म नहीं की गई तो हमारा 48 घंटे का जैसे ही उपवास समाप्त होगा हम फिर वहीं पे जाएंगे और उसी डिवीज़न की दलाली समाप्त कराएंगे।